गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस क्लास एंड जीके यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा जो लेक्चर है वो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का फोर्थ नंबर लेक्चर है। थर्ड लेक्चर आपके जो तीन लेक्चर थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया था कि आपके आहार नाल के कौन से भाग हैं, पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया था, पाचक एंजाइम के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इस लेक्चर में करेंगे आपके पाचन तंत्र की क्रियाविधि कि किस प्रकार का भोजन का अंतग्रहण मतलब आपके मुखगुहा में लिया जाता है, किस प्रकार उसमें जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होता है, वसा होता है, उनका अवशोषण किया जाता है। तो सारे एक बार लाइव आ जाए, फिर हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। सारे एक बार लाइव आ जाओ, जो भी लाइव आ रहे एक बार इसको शेयर कर देना ग्रुप में ना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रोसेस है उसके बारे में। एक बार लाइव आने के बाद सारे शेयर कर देना, फिर हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं, आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग लक्की, शेयर कर दो एक बार जो भी लाइव है, फिर हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको जो हमारी क्लासेज होती हैं उनका टाइम बता देता हूँ कि क्लास का टाइमिंग कौन कौन सा है। ठीक है, तो क्लास का जो हमारी टाइमिंग है वो आपकी तीन क्लास होती है यहाँ पे दिन में। बायोलॉजी क्लास होती है, इसका टाइमिंग है आपके सुबह 11 बजे। 10th साइंस की जो क्लास होती है उसका टाइमिंग है, अब ये जो क्लास चली इसका टाइमिंग है आपके 7:30 बजे का। और जो आपके रीट साइंस की क्लास होती है उसका टाइमिंग है आपके 4 बजे का। हाँ, वो सारे जुड़ जाएंगे ना धीरे धीरे, आप टेंशन मत लो, बाकी वाले बाद में देखते हैं। अब क्या होता है, जो हमें इतने आपके जो तीन पार्ट पढ़े थे उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि जो आपके पाचन तंत्र है उस पाचन तंत्र की हमने तो एक आहार नाल के भाग पढ़ लेते हैं, और आपके पाचक ग्रंथियां थी उनके बारे में मैंने कल बता दिया था, एंजाइम के बारे में पढ़ लिया था। अब जो आपके प्रोसेस है वो प्रोसेस किसके आपके कि पाचन की, किस प्रकार के भोजन का पाचन किया जाता है, उस प्रोसेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में हमारा जो पाचन तंत्र का जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा आपके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके पाचन अंतर के बारे में। तो पाचन अंतर के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा कुछ आपको डायग्राम के द्वारा यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये डायग्राम हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण हो सकता है पाचन की क्रियाविधि को समझने के लिए। तो इस डायग्राम में देखना आपके सबसे पहला पार्ट कौन सा है, मुख का पार्ट है। ठीक है, इस मुख के पार्ट में आप ध्यान देना कि सबसे पहले जो भोजन है वो मुख गुहा में लिया जाता है। सबसे पहले भोजन मुख गुहा में लिया जाता है, किसके द्वारा लिया जाता है कि मुख गुहा में जो आपके होंठ उपस्थित होते हैं पहले बाहर की ओर, जो मुख में वो होंठ क्या करते हैं, भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं, उसके बाद भोजन को पकड़ करके आपके मुख गुहा में लिया जाता है। ठीक है, अब मुख गुहा में क्या उपस्थित है, आपके दांत उपस्थित है, तो दांत के द्वारा भोजन को काटा जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। ठीक है, दांत के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इसके बाद में क्या होता है कि आपकी जो जीभ उपस्थित होती है उस जीभ के द्वारा भोजन को मुंह में इधर उधर घुमाया जाता है, जिससे और भोजन में जो आपके जीभ होती है उस जीभ के द्वारा इसमें क्या मिली जाती है, आपके भोजन में लार मिली जाती है। क्या मिली जाती है, लार। इसके द्वारा भोजन कैसा हो जाता है, यहाँ पे लसलसा हो जाता है, और इस लसलसे भोजन का जो रूप होता है इस भोजन को बोलते हैं आपके बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। ठीक है, जब भोजन आपके मुख में रहता है तो उस समय उस भोजन को क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। अब क्या होता है, भोजन जैसे मुंह में लिया, दांतों के द्वारा चबाया, जीभ के द्वारा उसमें लार मिलाई, तो लार में मैंने कल एक आपको एंजाइम बताया था और उस एंजाइम का नाम क्या था आपके, टाइलिन एंजाइम। देखो यहाँ पे इसको समझना कि सबसे पहले आपके क्या होती है, भोजन होता है, इस भोजन को मुख में लिया जाता है। कहाँ पे लिया जाता है, मुख में। मुख में जो आपके होंठ होते हैं ये होंठ क्या कार्य करते हैं, भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं। फिर आपके क्या होते हैं, मुख में एक दांत उपस्थित होते हैं, चार प्रकार के मैंने दांत बताए थे, उन दांतों के द्वारा भोजन को क्या किया जाता है, आपके काटा जाता है। अलग अलग दांतों के मैंने कार्य भी बताए थे आपके फर्स्ट लेक्चर में। दांत के अलावा जो जीभ उपस्थित होती है ये जीभ क्या कार्य करती है कि भोजन को मुंह में इधर उधर घुमाती है और इसमें लार मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है, लार, जिससे भोजन कैसा हो जाता है आपके, लसलसा हो जाता है। कैसा हो जाता है,
लसलसा हो जाते हैं। अब ये जो लसलसा भोजन है, इस भोजन के रूप को आपके क्या कहते हैं? यहाँ पे ध्यान रखना, इस भोजन के रूप को कहते हैं आपके बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलस। जब भोजन मुख गुहा में होता है तो उस भोजन के रूप को क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। फिर अगली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो आपके लार में एक मैंने एंजाइम बताया था, और वो एंजाइम कौन सा होता है? आपके टाइलिन एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम। ये टाइलिन एंजाइम जो भोजन में उपस्थित आपके कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? भोजन में उपस्थित आपके कार्बोहाइड्रेट, इस कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले कौन सा एंजाइम करता है? आपके टाइलिन एंजाइम करता है। इतना आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब भोजन में क्या होता है, जैसे ही आपके टाइलिन एंजाइम मिलता है तो कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा बहुत पाचन हो जाता है मुख गुहा में। बाद में जो भोजन होता है ये बोलस, फिर आगे आपके जो ग्रसनी होती है, फेरिंग्स बोलते हैं जिसे, ग्रसनी के द्वारा भोजन कहाँ पे जाता है? आपके ग्रास नली में। ग्रास नली में मैंने बताया था एक विशेष प्रकार की गतियाँ होती है, इन गतियों को बोलते हैं क्रमाकुंचन गति, क्रमानुकुंचन गति। इस क्रमानुकुंचन गति द्वारा ये भोजन ग्रास नली के द्वारा आगे कहाँ पे पहुँचता? आपके अमाशय में पहुँचता है। अब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान देना, भोजन कहाँ पे आ गया? आपके अमाशय में आ गया। तो अमाशय की भित्ति होती है, इस अमाशय की भित्ति के द्वारा, जो आपके अमाशय की भित्ति होती है उसके द्वारा कुछ आपके जठर रस का स्त्रावण किया जाता है, जिसमें एक तो क्या होता है आपके HCl होता है। क्या होता है? HCl। HCl ध्यान रखना भोजन को कैसा माध्यम प्रदान करता है? अम्लीय, बहुत ही अधिक सांद्र अम्ल है HCl, तो ये क्या करता है? भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। और जो भोजन के साथ अगर कोई जीवाणु भी है तो उनको नष्ट करने का कार्य कौन करता है? आपके HCl करता है। और एक होता है आपके यहाँ पे पेप्सिनोजन एंजाइम, पेप्सिनोजन एंजाइम। और एक होता है आपके श्लेष्मा का स्त्रावण किया जाता है। किसका स्त्रावण किया जाता है? श्लेष्मा का। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आपके HCl और पेप्सिनोजन है, ये दोनों मिलकर के सक्रिय पेप्सिन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? सक्रिय पेप्सिन का निर्माण करते हैं। अब ये सक्रिय पेप्सिन आपके किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? ध्यान रखना, प्रोटीन का पाचन। तो प्रोटीन का पाचन आपके कहाँ पे हो जाता है? अमाशय में हो जाता है। जबकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उस कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे होता है? आपके मुख गुहा में संपन्न हो जाता है, ठीक है। अमाशय तक आ गया भोजन, प्रोटीन का पाचन हो गया। अब यहाँ पे जो श्लेष्मा है, इस श्लेष्मा का क्या कार्य होता है कि ये जो श्लेष्मा होता है ये क्या करता है, जो अमाशय की जो भित्ति होती है, चारों ओर की जो भित्ति होती है, इस भित्ति की सुरक्षा करता है। किस से सुरक्षा करता है? HCl से, क्योंकि HCl क्या है? बहुत ही आपके सांद्र अम्ल है और एसिड है। एसिड से क्या होता है कि कोई भी चीज़ जल सकती है। तो ये श्लेष्मा क्या करता है? अमाशय की भित्ति को बचाता है। किससे बचाता है? आपके HCl से बचाता है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे श्लेष्मा का कार्य। अब भोजन क्या होता है, यहाँ पे अमाशय में आता है, जैसे ही मान लो ये आपके अमाशय की यहाँ पे संरचना है, यहाँ पे भोजन आ गया, यहाँ पे पड़ा, 3-4 घंटे तक क्या रहता है? अमाशय में भोजन रहता है, जिससे क्या होता है, अच्छी प्रकार से उस भोजन की लुगदी बन जाती है। और इस भोजन के रूप को यहाँ पे बोलते काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम। जब मुख गुहा में भोजन होता है उस समय उस भोजन को क्या बोलते हैं? बोलस। जबकि अमाशय में आए हुए भोजन को क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। अमाशय में आए हुए भोजन को काइम बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, जैसे ही भोजन यहाँ पे आता है, 3-4 घंटे तक रहता है, जो अवरोध लगे होते हैं, ये अवरोध यहाँ पे क्या होते हैं? आपके भोजन को ना तो समय से पहले जाने देते हैं आगे, और ना ही ऊपर वाले पार्ट में, वापस ग्रसनी वाले पार्ट में नहीं जाने देते। आपने कभी देखा होगा कि हमें खट्टी डकार या उल्टी का एहसास होता है, क्यों होता है? क्योंकि जो अमाशय का ये ऊपर वाला भाग होता है, इस भाग के द्वारा क्या होता है, ये भाग कभी जो द्वार होता है वो खुला रह जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें खट्टी डकार आती है। क्यों? क्योंकि अमाशय में क्या होता है? HCl होता है यहाँ पे भोजन के साथ मिला हुआ। चैप्टर आपको समझना है तो टाइम लगेगा, और आपको नहीं समझना है तो आप कहीं और से पढ़ लीजिए, है ना। अच्छे से आपको पूरे मार्क लाने हैं इसमें 6 नंबर के, तो आप अच्छे से पढ़िए। ऐसा चैप्टर एंड करने में कोई टाइम नहीं लगता, है ना। 3-4 घंटे तक भोजन रहता है, अच्छी प्रकार से यहाँ पे भोजन का क्या हो जाता है, लुगदी बन जाती है। अब क्या होता है, ये भोजन अमाशय से अगला ये भाग कौन सा होता है? आपके ग्रहणी का भाग होता है। कौन सा भाग होता है यहाँ पे?
ग्रहणी का भाग होता है, ठीक है। भोजन कहाँ पे आता है, आपके ग्रहणी में आता है। जैसे ही भोजन आपके ग्रहणी वाले भाग में आता है तो यहाँ पे ध्यान रखना, इस ग्रहणी वाले भाग में भोजन आने के बाद में आपके एक तो पित्त रस यहाँ पे आ जाता है, एक तो कौन सा आ जाता है आपके पित्त रस आता है, ठीक है। पित्त रस के द्वारा जो अगले आपके अग्नाशय रस है वो भी कहाँ पे आ जाते हैं, आपके ग्रहणी वाले भाग में। इस अग्नाशय रस के अलावा आपके जो ग्रहणी के द्वारा भी कुछ आपके आंत रस भी आ जाते हैं, कहाँ पे आपके इस ग्रहणी वाले भाग में। तो पित्त रस भी कहाँ पे आ जाते हैं, ग्रहणी वाले भाग में, अग्नाशय रस भी कहाँ पे आ जाते हैं, ग्रहणी वाले भाग में, और आंत रस भी आपके कहाँ पे आते हैं, ग्रहणी वाले भाग में। तो ग्रहणी वाले भाग में पित्त रस आता है, तो पित्त रस का मैंने आपको कार्य बताया था कि पित्त रस क्या कार्य करता है, ये आपके वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, आपके वसा का। तो वसा का पाचन कहाँ पे हो जाता है, आपके ग्रहणी वाले भाग में, ठीक है। और अग्नाशय रस है यहाँ पे, तो अग्नाशय रस क्या कार्य करता है, जो अग्नाशय रस है यहाँ पे ध्यान देना, मैंने अग्नाशय रस में कुछ एंजाइम बताए थे आपको, टी ए एल के द्वारा आपको एंजाइम याद रखने, टी का मतलब हो जाएगा आपके ट्रिप्सिन, ट्री के द्वारा क्या हो जाएगा ट्रिप्सिन, ए के द्वारा हो जाएगा आपके एमाइलेज, ठीक है, और एल के द्वारा क्या हो जाएगा आपके लाइपेज हो जाएगा, एल के द्वारा क्या हो जाएगा लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है, आपके प्रोटीन का पाचन करता है, जबकि जो एमाइलेज एंजाइम होता है ये किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और लाइपेज एंजाइम होता है ये किसका पाचन करता है, वसा का। तो यहाँ पे प्रोटीन का भी पाचन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो रहा है, और वसा का भी पाचन हो रहा है। तो सर्वाधिक आपके पाचन की प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, ग्रहणी वाले भाग में संपन्न होती है। सर्वाधिक पाचन की प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, आपके ग्रहणी वाले भाग में संपन्न होती है, ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखना। इतनी प्रोसेस बता दी कि अब भोजन कहाँ पे आ गया, आपके ग्रहणी वाले भाग में आ गया। तो अब भोजन क्या करता है, ग्रहणी वाले भाग से, अब ग्रहणी वाले भाग से भोजन कहाँ पे जाएगा, आपके आगे कौन सा भाग आएगा कि ग्रहणी वाले भाग से अगला आपके जो छोटी आंत का भाग है मध्यांत्र, कौन सा है, मध्यांत्र में जाएगा। और मध्यांत्र में जाने पर यहाँ पे कौन सी क्रिया होती है, आपके भोजन के अवशोषण की क्रिया होती है, कौन से, भोजन के अवशोषण की, कि ग्लूकोज वगैरह जो भी वसीय अम्ल होते हैं, एमिनो अम्ल होते हैं, उन सारों का अवशोषण कहाँ पे किया जाता है, आपके मध्यांत्र वाले भाग में किया जाता है, ठीक है। अब ये मध्यांत्र वाले भाग में अवशोषण होने के बाद में जो बाकी बचा भोजन है, जो आपके अपशिष्ट पदार्थ बचे हैं, वो आपके अपशिष्ट पदार्थ शुद्ध आंत्र में जाते हैं, मतलब जो आपके छोटी आंत का अंतिम भाग कौन सा, आपके शुद्ध आंत्र में। शुद्ध आंत्र के द्वारा ध्यान रखना, ये भोजन आपके बड़ी आंत में पहुँचता है, कहाँ पर जाता है, आपके बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में कौन सी क्रिया होती है, आपके सिर्फ और सिर्फ ध्यान में रखना, जल अवशोषण की प्रक्रिया। कौन सी क्रिया होती है आपके बड़ी आंत में, जल अवशोषण की प्रक्रिया, ठीक है। और जल अवशोषण की प्रक्रिया होने के बाद में जो आपके अपशिष्ट पदार्थ होता है, उस अपशिष्ट पदार्थ को मलाशय तक पहुँचाया जाता है, वहाँ पर सवर्णी पेशियाँ पाई जाती है। बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो मस्तिष्क के द्वारा जो रेस्पॉन्स दिया जाता है, उस अपशिष्ट पदार्थ को बाद में बाहर त्याग दिया जाता है। अब देखना इस आपकी जो प्रोसेस है, इसको डायग्राम के द्वारा यहाँ पे अच्छी प्रकार से समझना। अब क्या होता है कि भोजन कहाँ पे आया गया, फर्स्ट नंबर आपके मैंने बताया था अभी, मुख में आ गया। कहाँ पे आ गया, आपके मुख गुहा में। मुख गुहा में आने पर जो लार होती है, लार के द्वारा टाइलिन एंजाइम मिलाया जाता है, टाइलिन जो आपकी लार भी मिलाई जाती है, टाइलिन एंजाइम किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। अब ये भोजन क्या करता है, आपके धीरे धीरे क्रमाकुंचन गति द्वारा ग्रसनी के माध्यम से ग्रास नली में आता है, और ग्रास नली के द्वारा ये भोजन ध्यान रखना आगे कहाँ पे पहुँचता है, आपके इस अमाशय वाले पार्ट में आता है। कौन से पार्ट में आता है, इस अमाशय वाले पार्ट में, यहाँ पे अमाशय वाले भाग में आ गया। अब अमाशय वाले भाग में आते ही भोजन क्या करता है कि आपके 3-4 घंटे तक यहाँ पे रुकता है अमाशय में, ये दोनों द्वार यहाँ पे क्या होते हैं, आपके बंद हो जाते हैं। अब अमाशय में मैंने बताया थे, एक तो HCl का स्त्रावण किया जाता है, एक आपके पेप्सिनोजन का स्त्रावण किया जाता है, एक आपके श्लेष्मा का स्त्रावण किया जाता है। ये सारे भोजन के साथ मिलकर के भोजन की एक लुगदी बनाते हैं, और अमाशय में जो भोजन का रूप होता है उस रूप को बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं, काइम। और मुख गुहा में जब भोजन रहता है तब उसे क्या बोलते हैं, बोलस।
जैसे भोजन क्या होता है अच्छी प्रकार से यहाँ पे मत जाता है, आपकी एक लुगदी तैयार हो जाती है, तब ये भोजन आपके इस गृहिणी वाले भाग से गृहिणी में आती है। तो गृहिणी में आते ही यहाँ पे आपके पित्ताशीय रस, अग्नाशीय रस और आंत्रीय रस सारे कहाँ पे मिल जाते हैं आपके इस गृहिणी वाले भाग में। गृहिणी वाले भाग से ये भोजन आपके कहाँ पे जाता है, छोटी आंत में। ये भाग है आपका पूरा का पूरा कौन सा, छोटी आंत का। ये आपके छोटी आंत कौन सा भाग हो गया, आपके वृद्धांत्र, शुद्धांत्र, सॉरी है ना, शुद्धांत्र हो गया। अब शुद्धांत्र में जाने के बाद में भोजन क्या होता है कि यहाँ पे सर्वाधिक अवशोषण की प्रक्रिया आपको पूछे एग्जाम में कि हमारे शरीर में सर्वाधिक अवशोषण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो छोटी आंत का एक भाग है। कौन सा भाग, शुद्धांत्र वाले भाग में क्या होता है आपके सर्वाधिक अवशोषण की प्रक्रिया होती है। जबकि आपको पाचन की प्रक्रिया पूछे कि सर्वाधिक पाचन कहाँ पे होता है, तो वो होता है आपके गृहिणी वाले भाग में। छोटी आंत का एक भाग है गृहिणी। माँ ध्यान रखना, जो छोटी आंत के लगभग आपके टोटल कितने भाग है, तीन भाग। कितने भाग है छोटी आंत के, तीन भाग। देखो कौन कौन से है, एक भाग तो है आपके गृहिणी वाला भाग, एक भाग है आपके शुद्धांत्र, एक भाग है आपके, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ मैं अच्छी प्रकार से समझाने के लिए, कि ये अंतिम भाग तो हो जाएगा आपके शुद्धांत्र और ये हो जाएगा आपके मध्यांत्र। अगर पूछे आपको कि सर्वाधिक पाचन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, तो गृहिणी वाले भाग में। अगर पूछे अवशोषण की प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, तो मध्यांत्र वाले भाग में। और आपके जो जल होता है उसका या विटामिन का अवशोषण कहाँ पे किया जाता है, आपके शुद्धांत्र वाले भाग में। तो तीनों भागों के अलग अलग कार्य हो गए। ये शुद्धांत्र वाला भाग आगे कहाँ पे जुड़ा होता है, आपकी बड़ी आंत से। किससे जुड़ा होता है, बड़ी आंत से। तो भोजन आगे कहाँ पे जाएगा, आपके बड़ी आंत में जाएगा। अब देखो ये भोजन कहाँ पे चला जाता है, आपके बड़ी आंत वाले भाग में। ये देखो यहाँ पे जो छोटी आंत आगे कहाँ पे जुड़ी, आपके बड़ी आंत में। ये आपके नीचे की ओर जो आपके ये इस प्रकार की जो संरचना पाई जाती है, प्रवर्ध पाया जाता है, इस प्रवर्ध को बोलते हैं परिशेषिका या अपेंडिक्स बोलते हैं। परिशेषिका या अपेंडिक्स बोलते हैं। इसका क्या कार्य होता है सर आप पूछोगे, तो कार्य बता दूं कि जब हम बंदर थे, हम किसके पूर्वज हैं, बंदरों के, मतलब हम क्या है, हमारे पूर्वज कौन थे, बंदर थे। तो हमारे उस समय जब हम बंदर थे, हमारे पूर्वज कौन थे, बंदर थे। तो उस समय ध्यान रखना, बंदर क्या खाते थे, पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों में क्या रहता था, सेल्यूलोज रहता था। क्या रहता था, सेल्यूलोज। और इस सेल्यूलोज का पाचन कौन करता था, आपके ये परिशेषिका करती थी। ठीक है, इतना कार्य यहाँ पे ध्यान में रखना। अब ये क्या करता है, भोजन बड़ी आंत के द्वारा कहाँ पे आता है, आपके अनुप्रस्थ भाग में, फिर अवरोही भाग में, और लास्ट में जो भोजन है आपके इस मल द्वार में या गुदा द्वार में पहुंचा दिया जाता है, और जहां से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, ये तो प्रोसेस थी आपके पाचन की। अब देखो जो पाचन के एंजाइम है उनको मैं एक एक करके वापिस समझा देता हूँ कि कौन कौन से पाचक एंजाइम है और कौन कौन से आपको याद रखने हैं, फिर हमारे ये आपके जो पाचन का टॉपिक है वो यहाँ पे क्लियर होता है। तो सबसे पहले जो लार में उपस्थित एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम ध्यान में रखना आप, टाइलिन। कौन सा एंजाइम होता है लार में उपस्थित, आपके टाइलिन एंजाइम, याद रहेगा। इसके बाद में अगली आपकी यकृत ग्रंथि आती है, जो यकृत में क्या होता है, आपके पित्ताशय जिसे गाल ब्लेडर कहते हैं, हरे रंग का होता है। इस पित्ताशय के द्वारा किसका स्त्रावण किया जाता है, पित्तरस का। और ये पित्तरस ध्यान रखना किसका पाचन करता है, आपके वसा का पाचन करता है। जबकि जो टाइलिन एंजाइम होता है ये किसका पाचन करता है, आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है, इतना हो गया। फिर अगली ग्रंथि आती है एक आपकी अग्नाशय ग्रंथि। उस अग्नाशय ग्रंथि के बारे में देखो आपको क्या याद रखना है, जो आपके अग्नाशय ग्रंथि होती है ये आपके जो एंजाइम निकालती है, वो एंजाइम में आपके एक तो हो जाएगा आपके ट्रिप्सिन, एक तो हो जाएगा ट्रिप्सिन, दूसरा हो जाएगा आपके एमाइलेज, और तीसरा कौन सा हो जाएगा आपके लाइपेज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा तीसरा, लाइपेज। ये आपके तीन एंजाइम कौन निकालती है, आपके अग्नाशय ग्रंथि निकालती है। इसके अलावा जो आपके आंतरिक एंजाइम आते हैं या आंतरिक रस बोलते, जिन्हें आंतरिक रस बोल सकते हो या आंतरिक एंजाइम, तो एक तो होता है आपके माल्टेज,
माल्टेज के अलावा एक होता है आपके लेक्टोज लेक्टेज, और लेक्टेज के अलावा एक होता है आपके सुक्रेज, सुक्रेज। तो माल्टेज किसका पाचन करता है? माल्टोज का। लेक्टेज पाचन किसका करता है? लेक्टोज का। और सुक्रेज पाचन किसका करता है? आपके सुक्रोज का। और ये सारे क्या करते हैं, जो भी माल्टोज लेक्टोज सुक्रोज होते हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। एक आपके अमाशय में मैंने बताया था, एक आपके रेनिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन। रेनिन किसका पाचन करता है? दूध का पाचन करता है। अब दूध में कौन सी प्रोटीन उपस्थित होती है? कैसिन प्रोटीन। और कैसिन को किस में परिवर्तित कर देता है? आपके पैरा कैसिन में। मतलब ज़्यादातर गाय भैंस कौन से कौन रखता है? आपके किसान आदमी, तो किसान से क्या बन जाएगा? आपके कैसिन, याद हो गया ये। अब क्या करते हैं, दूध कौन पीते? जो आपके रनिंग करते, दौड़ने वाले, दौड़ने वाले को क्या बोलते हैं? रनिंग बोलते हैं, इंग्लिश में रनर बोलते हैं। तो रनर से आप क्या लिख दोगे? आप रेनिन लिख दोगे। रनर से क्या हो जाएगा आपका? रेनिन। तो रेनिन एंजाइम किसका पाचन करता है? आपके कैसिन प्रोटीन का पाचन करता है। ये सारे आपके यहाँ पे एंजाइम कंप्लीट होते हैं, और जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो भी यहाँ पे आपके कंप्लीट होती है, ठीक है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना है इसमें से तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके श्वसन तंत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र के बारे में। एक बार सारे कमेंट करके बता दीजिए। कल हम पढ़ेंगे वो श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। 7:30 बजे आप लाइव आ जाया करो डेली, है ना। देखो पाचन की प्रक्रिया वापस बता रहा हूँ मैं यहाँ पे कि किस प्रकार पाचन होता है। सबसे पहले भोजन को क्या किया जाता है? आपके मुख में लिया जाता है। मुख में लेने की प्रक्रिया कौन सी होती है? आपकी अंतःग्रहण। अंतःग्रहण के बाद में आपके मुख गुहा में, अमाशय में और ग्रहणी वाले भाग में क्या होता है? आपके इस पाचन का क्या किया जाता है? जो भोजन होता है उसका क्या किया जाता है? आपके पाचन किया जाता है, ठीक है। पाचन करने के बाद में क्या होता है कि जो भोजन होता है उसका आपके छोटी आंत का जो आपके मध्यांत्र वाला भाग है वहाँ पे क्या किया जाता है? उसका अवशोषण किया जाता है। क्या किया जाता है? अवशोषण। और अवशोषण करने के बाद में क्या होता है कि जो आपके ग्लूकोज का अवशोषण किया या किसी भी आपके वसा का, प्रोटीन, एमिनो अम्लों का आपके अवशोषण किया, तो उनको अवशोषित करके शरीर के अलग अलग भागों में भेज दिया जाता है। किसके माध्यम से? रुधिर के माध्यम से। जब हम रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे तब वहाँ पे रुधिर के कार्य में आएगा कि शरीर के अंदर सारे पोषक पदार्थों को भेजने का कार्य या उनका परिवहन कौन करता है? आपके रक्त करता है। तो स्वांगीकरण का मतलब है कि जो पोषक पदार्थ है उनको अपने अपने अंगों तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है? रक्त करता है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है? आपके स्वांगीकरण। और लास्ट में जो आपके अपशिष्ट पदार्थ रहता है उस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी? आपके बहिसेपण। तो इस प्रकार भोजन का अंतःग्रहण मतलब मुख में लेना, मुख में लेने के बाद में उसका पाचन, पाचन के बाद में उसका अवशोषण किया जाता है, अवशोषण करने के बाद में शरीर के विभिन्न भागों में भेजा जाता है, और बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं उनका बहिसेपण कर दिया जाता है, ठीक है। यह आपके पाचन की कंप्लीट होती है यहाँ पे प्रोसेस। और कल हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके श्वसन तंत्र के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि श्वसन तंत्र में क्या होता है, किस प्रकार से आपके ऑक्सीजन अंदर जाती है, किस प्रकार से ऑक्सीजन बाहर आती है, डायफ्राम का कार्य क्या होता है, श्वसन मांसपेशी कौन सी होती है, अंतः श्वसन क्या होता है, निःश्वसन क्या होता है, आपके अवायवीय श्वसन क्या होता है, वायवीय श्वसन क्या होता है, श्वास नली, फेफड़े वगैरह सबके सारे के आपके एक एक पार्ट के बारे में कल हम अच्छे से अध्ययन करेंगे, ठीक है। आज का वीडियो लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो भी आपके 10th क्लास में है, 12th क्लास में, जो आपके कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इन सब की क्लासें आपके यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे लगती हैं।